नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT अकादमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए कल्याण स्कॉलरशिप रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कल्याण का एक नया अपडेट के बारे में, नया ऑप्शन के बारे में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कुछ दिन से परेशान था। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिएगा, कल ही बनाए थे जिस वीडियो में स्टूडेंट का प्रॉब्लम बताए थे और ईमेल भी किए थे कल्याण को, और वो प्रॉब्लम आज सॉल्व हो गया। मतलब ईमेल करने के 2-4 घंटा के बाद ही कल्याण ने वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिए। तो क्या प्रॉब्लम आ रहा था स्टूडेंट के साथ, इस वीडियो में बताने वाला और स्टूडेंट का लाइव दिखाने वाला कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और कोई भी कल्याण स्कॉलरशिप या अदर स्कॉलरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए, या फिर मेरा ईमेल आईडी को ले सकते हैं। टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे भी हम लोग जुड़े रहेंगे, वहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है या अपडेट आता है सबसे पहले वहाँ पर अपडेट करता हूँ। चलिए अभी बात करते हैं स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा था, अभी उसका कैसे सॉल्यूशन किया। तो देख सकते हैं ये स्टूडेंट लॉगिन है, तो यहाँ पर हम अभी क्लिक करते हैं। जैसे स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करते हैं और स्टूडेंट का फाइल को अभी हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं मोबाइल नंबर से। तो देख सकते हैं मोबाइल पासवर्ड मेरा यहाँ पर सेव कंप्यूटर में, अभी हम यहाँ पर साइन इन करता हूँ। तो देख सकते हैं इस स्टूडेंट का प्रोफाइल यहाँ पर लॉगिन हो गया, ठीक है। उसका यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं स्टूडेंट का भी, जो पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा इस वीडियो में, ठीक है। स्टूडेंट का बता रहे थे कि फॉर्म अप्लाई कर रहा है लेकिन सिर्फ प्रिंट का ऑप्शन आया था, डॉक्यूमेंट अपलोड ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा था और एडिट ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि स्टूडेंट ने 20 नवंबर को फॉर्म अप्लाई किया था लास्ट डेट पर और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे। लेकिन अभी डेट तो एक्सटेंड हुआ तो इसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन तो देना चाहिए था, लेकिन इकलान तो कल ही डेट एक्सटेंड किए लेकिन इसका जो ऑप्शन है अपलोड वाला नहीं आ रहा था। तो हम इकलान को ईमेल किए से सर डॉक्यूमेंट अपलोड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, जो स्टूडेंट ने लास्ट डेट पे फॉर्म अप्लाई किए थे तो लोग का भी डॉक्यूमेंट अपलोड और एडिट ऑनलाइन का ऑप्शन देने का कृपा करें। तो जैसे ही मेल किए, इस वीडियो में देख लीजिएगा लाइव ईमेल भी किए सभी स्टूडेंट के साथ, तो ईमेल जैसे ही किए, ईमेल करने के बाद 4-5 घंटा के बाद ही ये ऑप्शन आ गया। मतलब दोपहर का टाइम ईमेल किए और शाम तक में ये ऑप्शन अपडेट हो गया। तो जिन स्टूडेंट का ये ऑप्शन नहीं आ रहा था सभी स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोग का ऑप्शन आ गया। जो भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में आप बता दीजिए या फिर हमको ईमेल कीजिए, और फिर या फिर आप कल्याण का डायरेक्ट हेल्प डेस्क ईमेल आईडी पे भी ईमेल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ईमेल कल 12 बजे की और शाम तक में अपडेट आ गया, मतलब जो भी ईमेल करते हैं वो लोग ईमेल को चेक करते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट के साथ, उसको सोल्यूशन कर देते हैं। देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ये ऑप्शन भी आ गया, स्टूडेंट का प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो गया। तो अगर वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो पर।